ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 23 दिसंबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:39 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। इस वीक के पहले ही दिन हमने जबरदस्त धमाका देखा निफ्टी इंडेक्स में, ऑलमोस्ट टॉप टू बॉटम 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। अभी कल उसमें एक रिकवरी, एक बॉटम जो बनाया है 20 AMA के पास, वहां से एक बाउंस बैक आते हुए दिखा। लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जो मंडे को एक गिरावट आई थी उसके पीछे जो यूरोप में फ्लाइट्स को बैन कर दिया है, जो यूके में एक नया कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसके मद्देनज़र यहाँ पर यूरोप में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने फ्लाइट्स जो है वो बैन करके रखी है। तो यहाँ पर जो पास सिचुएशन था जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था एक एक कंट्री में, तो उसके पहले यही स्टेप थी कि उन्होंने फ्लाइट्स को बैन कर दिया था। तो इन्वेस्टर्स के बीच में एक बार फिर से पैनिक का माहौल है, क्योंकि यहाँ से फिर से अगर लॉकडाउन होता है जो प्रीवियस हमने देखा था, तो यहाँ से बिजनेस के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। अभी फ्लाइट्स बैन है तो नेचुरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर इसका असर गिरेगा, और इसके कारण इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में है। तो यहाँ पर अभी जो गिरावट आई है मंडे को, उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न में हमें निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 22 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 13,439 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 13,200। काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुआ ब्रेकडाउन का। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। अगर कल ओपन होते ही निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, टूवर्ड साउथ की तरफ आया, तभी इसने एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास, ये देखिए, एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट किया। ब्रेक नहीं कर पाया ब्रेकडाउन लेवल को। एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हुआ, तभी ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 13,470 अचीव हुआ और ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल कल साबित हुए। कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखिए तो हरे निशान में बंद हुए। स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला ये US मार्केट में। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो हल्की सी बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी में फिर से एक बार दबाव देखने को मिल रहा है, 38 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखे तो अभी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये जो हैमर टाइप का कैंडलस्टिक जैसा पैटर्न यहाँ पर बना था, इसका हाई अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाया, यानी ये यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि यहाँ से इतना फॉल आया है, तो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके कहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, इसके लेवल्स को प्रोजेक्ट किया गया है। तो 23.6% का ये जो लेवल है 13,072 के आसपास आ रहा है, तो 13,000 फर्स्ट सपोर्ट होगा। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, वीकली चार्ट, उसके हिसाब से फर्स्ट 13,000 का सपोर्ट होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो करेक्शन यहाँ से और भी गहरा था हुआ नजर आ सकता है। हम बार बार ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि 70 के ऊपर RSI चला गया है, तो प्राइस एक्शन में कभी भी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन आते हुए दिखाई दे सकता है। जैसे पास्ट में हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था, जैसे ही 70 के पास आता है ऊपर प्राइस एक्शन में एक गिरावट देखने को मिलती है। ये देखिए, तो जैसे ही यहाँ पर अभी 70 लेवल के पास आया तो प्राइस एक्शन में अभी फिर से एक बार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। चलते डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर सपोर्ट जो है वो 20 AMA का यहाँ पर
कल और आज 20 EMA को इसने रिस्पेक्ट किया है, इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। अगर 20 EMA के नीचे चला जाता है और इन दोनों 2 दिन के लोस को ब्रेक करता है कंफर्टेबली, तो यहाँ से और भी गिरावट तेज होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा कैंडल अगर पास्ट में जब भी फॉर्म हुआ है तभी क्या हुआ है, ऐसा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कैंडल है रेड कैंडल, लॉन्ग रेड कैंडल, इसके बाद किस तरह से बिहेव किया है। थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, फिर एक बार प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, और फिर 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA को सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश की। 20 EMA फेल होता है तो 50 EMA के पास आता है, फिर 100 EMA के पास आता है, और फिर यहाँ से बाउंस बैक होता है। तो जब तक ये जो मूविंग एवरेजेस हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं चले जाते, तब तक यहाँ पर कंप्लीट डाउन ट्रेंड है, या ऐसा हम कह नहीं सकते। क्योंकि अदरवाइज अगर हम पास्ट में देखें तो ये देखिए यहाँ पर जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चले जाते हैं, पहले मिड लॉन्ग टर्म, फिर मिड टर्म, फिर शॉर्ट टर्म, तो उसके नीचे जब इंडेक्स ट्रेंड करने लगता है तब कंप्लीट डाउन ट्रेंड होता है। तो अभी ये सिर्फ करेक्शन है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है और इसके बाद ये करेक्शन आना काफ़ी लाजमी है। तो यहाँ पर अभी 20 EMA का सपोर्ट है 13,322 के पास, यानी ऑलमोस्ट 300 के पास। 300 के नीचे अगर क्लोज होता है, सस्टेन होता है, तो हमें और भी गिरावट यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम 2 आवरली चार्ट की बात करें और अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पर राइजिंग बॉटम्स देखने को मिल रहे हैं 2 आवरली चार्ट में, यानी ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद क्या ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हमें दिखाई दे सकती है, उसके लिए निफ्टी इंडेक्स को ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है जो कि 20 EMA का लाइन है 2 आवरली चार्ट में, इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी होगा। ये अभी मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। नीचे देखे तो 100 EMA का इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक होने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर हर्डल है 13,500 के पास, उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर से यहाँ से हमें अपसाइड मूव कंटिन्यू होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। तो ये था 2 आवरली चार्ट का सिनारियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, आज इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है। निफ्टी इंडेक्स अभी इन मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो 2 हर्डल से पहले तो 20 EMA, फिर 50 EMA, और उसके बाद हमने कुछ दिनों पहले देखा था निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर 13,580-600 के पास आके यहाँ पर रुक रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, यानी ऑलमोस्ट अगर ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो है इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए 13,574 को, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ये देखिए लंबा एक लॉन्ग रेड कैंडल बना है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही आज के हम बाय पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,597, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,620, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट कल यहाँ पर फेल हुआ था, हमने देखा ब्रेकआउट लेवल के पास, जो कि अभी आज पिवट पॉइंट के लेवल के आसपास है। तो 13,383 अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,361, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,343, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।